हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप फोटोशॉप के अंदर अपनी इमेज की बैकग्राउंड को कैसे रिमूव कर सकते हैं, उसे कट कैसे कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी इमेज की बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। फोटोशॉप के अंदर वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं अपनी किसी भी इमेज की बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए, उसको कट करने के लिए, पर यहाँ पर जो मैं एक आपको तरीका बताऊँगा एक, जिससे कि जो बिगनर्स हैं जिनको फोटोशॉप चलाना नहीं आता वो भी अपनी इमेज की बैकग्राउंड फोटोशॉप के अंदर रिमूव कर सकें, उसे कट कर सकें। आज एक आसान सा तरीका मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले आपको अपना फोटोशॉप ओपन कर लेना है। मैंने अपना फोटोशॉप ओपन किया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी इमेज, जिस इमेज की आपको बैकग्राउंड रिमूव करनी है, उस इमेज को ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के लिए आप यहाँ पर फाइल पर जा सकते हैं और यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं, या कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करेंगे, शॉर्टकट की है कीबोर्ड से, तो ओपन बॉक्स आ जाएगा। पर मैं ये तरीका यूज़ नहीं करता हूँ। मैं यहाँ पर कहीं भी अपने माउस से दो बार क्लिक करता हूँ और मेरा जो लोकेशन है वो आ जाती है, और वहाँ से अपनी इमेज को सिलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। तो मेरी जो इमेज है अभी डेस्कटॉप पर रखी हुई है, तो मैं यहाँ से उस इमेज को सिलेक्ट कर लूँगा। ये मेरी इमेज है और मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया और अब मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ ओपन। मैं आपको इस इमेज का बैकग्राउंड जो है रिमूव करके दिखाऊंगा। बहुत ही आसान सा है, वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए अभी ये मेरी जो इमेज है ये एक बहुत छोटी है, तो मुझे इसको बड़े ही सफाई से इसकी बैकग्राउंड को रिमूव करना है, बट लेकिन मुझे यहाँ से दिख नहीं रहा था। आप इसको जूम कैसे करेंगे, आप अपने कीबोर्ड से अल्ट प्लस और जो अपने माउस का जो स्क्रॉल व्हील होता है, आप इस तरह से आप देखिए उसको स्क्रॉल व्हील करेंगे, देखिए तो ये अपनी आपकी इमेज जो है बड़ी भी होगी और छोटी भी होगी। देखिए जूम कर सकते हैं आप, इसको जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। और एक दूसरा तरीका है, आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस, प्लस की जो की होती है जहाँ पर नंबरिंग होती है हमारे कीबोर्ड पर, जो प्लस की होती है, आप उसको ऐसे प्रेस करेंगे, देखिए आप उसको इस तरह से प्रेस करेंगे तो हमारी इमेज जो है बड़ी होगी। और उसके साथ में जो माइनस की है उसको प्रेस करेंगे तो देखिए हमारी इमेज छोटी होती चली जाएगी। इस तरह से आप अपनी इमेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो मैं उसके बाद आप इस इमेज को देखिए, जो हमारा ऊपर का हिस्सा है ये हमें अभी नहीं दिख रहा है, तो अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हम इस जो हमारा जो ऊपर की जो साइड का हिस्सा है हम उसको कैसे करेंगे, तो आप अपने कीबोर्ड से स्पेस, जो स्पेस की जो की होती है, जो टाइपिंग करते हैं स्पेस की जो की होती है, आप उसको प्रेस करेंगे। मैं इसको अपने कीबोर्ड से स्पेस की जो की है उसको प्रेस करता हूँ, तो देखिए एक हैंड का आइकन आ जाता है। अब इसको आप इस तरह से अपने माउस से इस तरह से ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, और अपने जिस लोकेशन पर आप जाएंगे वहाँ से इसको कटिंग कर सकते हैं, इस पर वर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने टूल बॉक्स में आना है, टूल बॉक्स में आना है, और टूल बॉक्स में आने के बाद यहाँ पर आपको एक चीज़ देख रहे हैं, पेन टूल। आपको यहाँ से पेन टूल ले लेना है। पेन टूल लेने के लिए आप अपने कीबोर्ड से पी प्रेस करेंगे तो भी यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप देखिए अभी मैं यहाँ से इसको एक के लिए मैं यहाँ से मूव टूल ले लेता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ, ये हमारा पेन टूल है। आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए छोटा सा आइकन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ अलग अलग तरह के पेन टूल यहाँ पर नजर आएंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला पेन टूल है, फिर दो है, तीन है, चार है, पाँच है, तो आपको सबसे पहले वाला पर यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जो सबसे पहला है, सिर्फ पर पेन टूल यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। आप अपने कीबोर्ड से पी प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी इमेज को कट करना है। कट करने के लिए सबसे पहले हम अपनी इमेज को सिलेक्ट करेंगे, तो अभी मैं थोड़ा सा इमेज को छोटा कर लेता हूँ और यहाँ से स्पेस प्रेस करूँगा और अपनी इमेज को ऊपर करता हूँ, तो देखिए हमारी इमेज जो है वो सिर्फ यहीं तक है। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करना स्टार्ट करता हूँ, तो आप इस तरह से देखिए बड़ी बारीकी से अपनी इमेज को सिलेक्ट करेंगे अपने पेन टूल के साथ, और अपनी इमेज का बैकग्राउंड आप कैसे सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको गलत अगर आपसे जो है क्लिक हो जाए तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जेड करिएगा, अंडू करिएगा, और उसके बाद देखिए अब देखिए जहाँ पर जो एक आप देख रहे हैं यहाँ पर राउंड टाइप है, थोड़ा सा यहाँ पर गुलाई है, तो आपको इसको क्या करना है, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद इस माउस को आपको क्लिक को छोड़ना नहीं है, इस तरह से आप अपनी इस तरह से आप इसको जिस डायरेक्शन में आपको करना चाहते हैं आप वहाँ पर ले आकर इसको रखेंगे, और उसके बाद अपने कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करेंगे और जहाँ पर जो बीच का जो सेंटर है, ये आप सेंटर देख रहे हैं, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से स्पेस प्रेस करेंगे और वही हैंड आइकन आ जाएगा, आप अपनी इमेज को नीचे करेंगे। उसके बाद फिर से हम इस साइड पर आते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा करके, अब देखिए मैं इस तरह से नहीं छोड़ सकता, तो फिर आपको इसकी देखना है कि आपकी जो एरिया है वो कहाँ से ठीक ठाक जो है सिलेक्ट हो सकता है। तो ये मेरा जो एरिया है वो यहाँ से जो है ठीक ठाक सिलेक्ट हो रहा है, मैं यहाँ पर आऊँगा और उसके बाद मैं फिर से अपने कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करूँगा और यहाँ बीच में जो सेंटर है जहाँ पर हमने क्लिक किया था, यहाँ पर एक पाथ बना था, मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर दूंगा। अब उसके बाद मैं फिर से यहाँ पर आऊँगा, जिन ज़्यादा बड़े एरिया सेलेक्ट ना करें नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद देखिए आपको इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी इमेज
कहाँ पर जो है ठीक से कट हो सकेगी, सफाई से कट हो सकेगी, क्योंकि जो एरिया है बाहर का वो भी सिलेक्ट ना हो, ना ही ज़्यादा इमेज हमारी कट हो। तो फिर से हमने इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद में आपको फिर से यहाँ पर अल्ट प्रेस करेंगे और बीच में यहाँ पर सेंटर पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे, उससे हमारा जो पाथ है वो वहीं तक खत्म हो जाएगा। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो वो आगे बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद मैं अपने कीबोर्ड से फिर से स्पेस प्रेस करूँगा और उसको इमेज को थोड़ा सा नीचे लेके आऊँगा। अब अपनी इमेज को आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी जो है कर सकते हैं। मैं थोड़ा फास्ट करूँगा ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने और आपको भी देखने में फिर आलस आएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको फास्ट वर्क करूँगा। क्षमा करता हूँ, थोड़ी सी बीच में आवाज़ें आ रही होंगी, इसलिए मैं अपनी वीडियो यहाँ पर जो है नाइट में बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जिस लोकेशन पर मैं रहता हूँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर है, तो उसके लिए मैं सॉरी क्षमा चाहूँगा। अगर आपको कुछ आवाज़ें आ रही हों तो उसके लिए सॉरी है बहुत ज़्यादा दिल से। अब देखिए मेरी जो इमेज है वो यहाँ तक जो है सिलेक्ट हो चुकी है। तो आपको एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेरी इमेज को सिलेक्ट करना है कि जिस इमेज को आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसको आपको बड़े ही बारीकी से सिलेक्ट करना है, ताकि इमेज का बैकग्राउंड जब रिमूव हो तो वो हमें अच्छा नज़र आए। मतलब कि ऐसा ना हो कि सामने वाला ये कहे कि इस इमेज पर मतलब ऐसे ही टेम्परेली काम किया हुआ है। तो आप अपनी इमेज को अच्छे से जो है कट करें, पहले सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करना सबसे बेटर है कि आपको सिलेक्ट किस तरीके से करना है। उसके बाद अब देखिए मेरी इमेज जो है अभी यहाँ पर छोटे हो गए, थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ा लेता हूँ। अब हैंड लेके आऊँगा अपना, वही स्पेस दबाया है मैंने, अब फिर से मैं अपना पेन टूल लेके आऊँगा। इस तरह से आप थोड़ा सा इमेज को जितना बड़ा करके सिलेक्ट करेंगे तो ये अच्छे से सिलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इस तरह से आपको रखना है, ना ही ज़्यादा बाहर ना ही ज़्यादा अंदर, और इस तरह से देखिए आप अपनी इमेज को सिलेक्ट करते चले जाएगा। अब देखिए आपके सामने है, इस तरह से आप अपनी इमेज को सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए जो भी राउंड की तरह है, जो एक गुलाई यहाँ पर आएगी तो आपको वहाँ पर वही अपना जो है ट्रिक यूज़ करनी है। इस तरह से यहाँ पर लाएंगे इस तरह से, और इस तरह से इसको इस तरह से करेंगे, देखिए जैसे मूव करेंगे, और यहाँ पर आप देख रहे हैं इतना एरिया सिलेक्ट हो गया। फिर यहाँ पर अल्ट प्रेस करेंगे और यहाँ पर ला कर इसको छोड़ देंगे, और इस तरह से अपनी जो भी इमेज है आपकी, जिस भी तरह की इमेज है उसको आप इसी तरह से सिलेक्ट करेंगे। ये बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, वैसे बहुत तरीके हैं फोटोशॉप में अपनी इमेज को जो है अपनी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करने के, ये मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका बता रहा हूँ। आप इसको यूज़ करने के बाद अपनी इमेज को बहुत ही अच्छे से अपनी इमेज का बैकग्राउंड जो है कट कर सकेंगे, उसे रिमूव कर सकेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, जो हमारी जो इमेज है उसकी जो देखिए आप हेयर हैं यहाँ पर बीच में कुछ ऑप्शन है, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा अटपटा सा यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। तो आप इस जो अगर आप पर ऐसी कोई समस्या है तो आप क्या कर सकते हैं उस चीज़ में, आप यहाँ से इसको इतना ही सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आप ज़्यादा बिल्कुल भी मतलब बारीकी में ना जाए, क्योंकि आपको टाइम भी बचाना है। तो और ये चीज़ बहुत ही बारीकी, तो हमारी छोटी सी चीज़ के लिए हमारी इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आएगी, तो आप यहाँ से इतना सा सिलेक्ट कर लीजिएगा, ये हमारा बिल्कुल भी नहीं दिखने वाला। उसके बाद में देखिए इमेज आपको इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है, और मैं यहाँ पर इसको जल्दी जल्दी थोड़ा सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ये लीजिए, आपको इस तरह से इमेज जो है सिलेक्ट कर लेनी चाहिए। ये हमारी इमेज हो गई है यहाँ पर सिलेक्ट। अब मैं इसको छोटा करूँगा, कंट्रोल प्लस माइनस करूँगा, और उसके बाद में इस इमेज को मैंने इस तरह से कर लिया है सिलेक्ट, और थोड़ा सा छोटा करेंगे, और इस तरह से आपको मूव करना है अपने पेन टूल को। ये यहाँ से इस तरह से लिया है और यहाँ पर लाके कर दिया इसको। अभी हमारी इमेज का जो हिस्सा है वो छोटा करके दिखाता हूँ आपको। देखिए जो हमारी इमेज है वो अभी सिलेक्ट हो चुकी है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। फोटोशॉप में हमारी जो इमेज है वो हमने काफ़ी हद तक उसको सिलेक्ट कर लिया है। अभी हमारा क्या रहता है, जो बीच का ये हिस्सा देख रहे हैं आप हैंड के अंदर का, ये हमारा हिस्सा रहता है, ये हमने सिलेक्ट नहीं किया। तो आपको क्या करना है, अभी जो हमारा जो हिस्सा भी जो हमारा इमेज का जो पार्ट है जो हमने सिलेक्ट किया है, तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपके पेन टूल को ही सिलेक्ट रहने देना है, यहाँ से मूव टूल ना लें। उसके बाद आपको यहाँ पर इमेज के बीच में राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये देख रहे फोर्थ वाला ऑप्शन देख रहे हैं, 1 2 3 फोर्थ वाला मेक सिलेक्शन, मेक सिलेक्शन पर आना है, और यहाँ से आपको कुछ नहीं छेड़ना, सिर्फ ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपकी ये है एक लेयर बॉक्स होता है, लेयर बॉक्स अगर आपके फोटोशॉप में लेयर बॉक्स शो ना हो रहा हो तो आप यहाँ से देखिए मैं कट करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर विंडो में जाएंगे, और विंडो में जाने के बाद आप यहाँ से लेयर ये देखिए आप यहाँ से क्लिक कर दिए, ये यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप चाहें तो अपने कीबोर्ड से F+7 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा लेयर बॉक्स। लेयर्स का ही सारा खेल होता है फोटोशॉप के अंदर। तो चलिए शुरू आगे बात करते हैं। अब आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से Ctrl+J प्रेस करना है, Ctrl+J प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर आएंगे देखिए नीचे की साइड, मैं यहाँ पर रखता हूँ, तो देखिए यहाँ पर भी क्रिएट ए न्यू लेयर। तो आप अपने कीबोर्ड से
चाहें तो कंट्रोल प्लस जे प्रेस कर सकते थे या फिर यहाँ से भी क्लिक कर सकते। तो मैं अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट कमांड यूज़ करता हूँ, कंट्रोल प्लस जे प्रेस करूँगा। तो देखिए ये हमारी इमेज का जो बैकग्राउंड है आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये यहाँ से रिमूव हो चुका है। मैं आपको यहाँ से क्लिक करके दिखाता हूँ, ये देखिए मैंने इसके इस पर जो है क्लिक किया, बंद किया इसको, तो देखिए हमारी जो इमेज का जो बैकग्राउंड था वो यहाँ से अभी रिमूव हो चुका है। मैं अभी यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। अब आपको इस इमेज को क्लिक करना है और यहाँ पे लाके इसको, ये डिलीट का ऑप्शन देख रहा है, यहाँ पर लाकर आप इसको छोड़ दीजिएगा। आपकी जो इमेज का जो बैकग्राउंड था, जो बाहर का हिस्सा था, वो अभी रिमूव हो चुका है। अभी हमारा जो पार्ट्स है, जो थोड़ा सा जो हैंड्स के नीचे, जो हमारा हैंड्स के बीच में जो पार्ट्स रह गया, अब हम उसे भी रिमूव करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, फिर से अपनी इमेज को जो है बड़ा करेंगे, कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करूँगा और यहाँ से अपनी फिर वही पेन टूल से इसको सिलेक्ट करेंगे। बहुत ही आसान सा तरीका है आपके लिए। इस तरह से आप अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद फिर से राइट क्लिक करिएगा, मेक ए सिलेक्शन, ओके। आपको यहाँ पर सिर्फ डिलीट प्रेस कर देना है। आप जैसे डिलीट करेंगे फिर ये आपका जो बीच का हिस्सा होगा वो भी रिमूव हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ से कंट्रोल प्लस डी प्रेस करूँगा तो हमारे जो सिलेक्शन पार्ट है वो भी यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद हम कंट्रोल प्लस माइनस प्रेस करेंगे तो देखिए हमारी जो इमेज है उसका बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब आप अपनी इमेज की PNG फाइल बना सकते हैं, PHD फाइल बना सकते हैं। अपनी PNG PHD फाइल को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, वर्ड में, कॉरल ड्रॉ में। आप अगर एक डिज़ाइनर हैं तो आप इस चीज़ को समझ भी रहे होंगे, आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसके पीछे किसी भी तरह की बैकग्राउंड लगा सकते हैं, कलर लगा सकते हैं। चलो हम एक बैकग्राउंड करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर लेके आता हूँ ओपन। ओपन के लिए मैं यहाँ से ये वाला देख ले लेता हूँ एक, इसको करता हूँ ओपन और मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ बड़ा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस टैब प्रेस करना है, आपका पेज पहले वाला आ जाएगा, कंट्रोल प्लस टैब। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस ए और इसको कर लेना है कॉपी, कंट्रोल डी और उसके बाद फिर से कंट्रोल प्लस टैब और यहाँ पर ला कर इसको कंट्रोल वी कर देंगे। तो देखिए, और उसके बाद हम थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे, कंट्रोल प्लस टी प्रेस करेंगे आप। पहले मैं यहाँ से मूव टूल ले लेता हूँ, देखिए मेरा भी यहाँ पर मूव टूल जो है पेन टूल सिलेक्ट है, तो मैं यहाँ से मूव टूल ले लेता हूँ। अब मैं करता हूँ कंट्रोल प्लस टी और अब आपने शिफ्ट के साथ इसको देखिए छोटा कर लीजिएगा और इस तरह से आप अपनी इमेज का देखिए बैकग्राउंड जो है चेंज कर सकते हैं। आप अपने तरीके से जो आपको बैकग्राउंड लगानी है वो आप लगा सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए करके दिखाया था। पहली वाली फाइल पर चलता हूँ, कंट्रोल प्लस टैब प्रेस करूँगा, ये मेरी फाइल थी, ठीक है। अब हम मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसकी PNG कैसे बनानी है, PHD कैसे बनानी है। इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एस करेंगे तो भी आपको ऑप्शन आ जाएगी, या फिर आप यहाँ फाइल में जाएंगे और उसके बाद आप जो है सेव करेंगे। देखिए कंट्रोल प्लस एस, अब आपसे ये लोकेशन पूछेगा कहाँ पर आपको सेव करनी, तो मैं डेस्कटॉप पर जाऊँगा। उसके बाद आपसे ये पूछेगा फॉर्मेट, कि आपको किस फॉर्मेट में इसको जो है सेव करना है। आप चाहें तो PHD भी कर सकते हैं और चाहें तो PNG भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ से इसको PHD और PNG दोनों में कर सकते हैं। ये रहा हमारा PNG, आपको यहाँ पर एक बार इसको PNG में सेव करके दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा PNG में ऐसे किया इसको सेव और यहाँ से कर देता हूँ ओके। देखिए हमारी जो फाइल है PNG में सेव हो गया, मैं इसको यहाँ से करता हूँ मिनिमाइज और देखिए ये हमारी फाइल थी, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही, देखिए ये रही हमारी फाइल और ये रही हमारी जो पहले वाली फाइल थी और ये रही हमारी फाइल जिसका बैकग्राउंड अभी यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब आपको लग रहा होगा यहाँ से वाइट है, देखिए पहले हमारी जो फाइल थी वो ये थी, अब मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए हमारी ये फाइल थी और इसको हमने इस वाली फाइल में देखिए इस तरह से इसकी बैकग्राउंड को जो है रिमूव कर दिया है। आप PHD में करेंगे तो भी आपको इसी तरह से होगा, बस एक उसमें जो है आपकी फाइल इस तरह से जो है नहीं शो होगी, उसमें आपको फोटोशॉप का आइकन शो होगा। तो देखा दोस्तों, आप इस तरह से अपनी किसी भी इमेज का बैकग्राउंड जो है रिमूव कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब आपको किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।